कहते हैं ये वाली राइड मुझे करनी है भाई साहब, प्लीज 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 ये स्टार्ट हो तो अच्छा होगा। ऑसम, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है लाइफ में पहले, क्या इफेक्ट डाला इन्होंने। लेकिन दोबारा से खेलने वाले माइनक्राफ्ट यार, बचपन के भी क्या दिन थे नहीं, जैसा समर वेकेशन आता था या कोई भी छुट्टी आती थी, हम सीधा चले जाते थे, मतलब वाटर पार्क में चले जाते थे, स्विमिंग पूल में चले जाते थे, कहीं इधर जू में चले जाते थे, अगर गेम जोन में चले जाते थे, मतलब बचपन भी गया, मतलब बचपन था। तो आज मैं अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए मैं आ चुका हूँ एक रोलर कोस्टर ग्राउंड में, मतलब ये पूरा पूरा गेमिंग जोन है, लेकिन ये पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट का गेमिंग जोन है। तो मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा, मैं ये मतलब एकदम रियल जैसा ही बनाया। और भाई साहब शुरुआत में क्या अच्छा इन्होंने म्यूजिक चला के रखा है, और देखो जिस तरीके से हम बच्चे थे तब हम जाते थे मतलब गेम जोन में या स्विमिंग पूल में, तब कितनी बड़े मतलब ट्रैफिक थी, कितने जैसा ज़्यादा लोग आ जाते थे, उसके लिए इन्होंने देखो एंट्री क्या ही अच्छी बना के रखी है। और ये है इसका एंट्रेंस, तो एंट्रेंस भी इन्होंने एकदम रियलिस्टिक ही बना के रखा है। तो चलो चलते हैं, अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और देखते हैं इधर इन्होंने अंदर कौन कौन सी राइड है जो हम कर सकते हैं, कौन कौन सी राइड है जो हम नहीं कर सकते। मतलब बचपन में ऐसा था, बड़े लोगों को देख के लगता था कि यार काश मैं बड़ा हो जाऊँ, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊँ तो आज़ादी मिलेगी। अब बड़ा हो के ऐसा लगता है कि नहीं यार, छोटे थे तभी अच्छा था, कुछ काम धंधा तो नहीं करना पड़ता था, एकदम आराम से ज़िंदगी जीनी पड़ती। लेकिन बड़े हो के काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन आ जाता और ये सब कुछ आप सब लोगों को तो पता ही होगा। और तो ये इन्होंने देखो वेलकम टू आइसलैंड लाइक नो अदर, ओके भाई साहब इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें ही स्टार्टिंग में कर दी हमें, मतलब देखते हैं आगे चल के क्या, देखते हैं इन्होंने मतलब क्या ही, लेकिन अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने बना के रखा है। प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा ये अभी तक। तो चलो ये इन्होंने एंट्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एंट्रेंस में इन्होंने थोड़ा बहुत तो मुझे इम्प्रेस कर ही दिया है, आगे चल के देखते हैं इन्होंने मतलब क्या नया इन्होंने बना के रखा है। ओ भाई साहब इधर भी इन्होंने ओके द डोम, ओके मतलब ये वेटिंग एरिया है, मतलब इधर से हम चारों ओर जा सकते हैं, इधर से हम अपना कपड़ा भी ले सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। ये वाले देखते हैं, ये वाला रूम में शायद से खाना खाने के लिए इन्होंने बना के रखा है। ओके यस, ये लंच के लिए, नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए इन्होंने बना के रखा है। और ये देखो भाई इधर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है, मेरी तो मतलब अंदर से इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना अंदर जाने की, लेकिन कोई नहीं, सबसे पहले इधर से हम सब टोकन्स लेके अंदर जाएंगे और पता चले इधर से टोकन्स लेने के बिना अंदर चले गए और हमें कुछ राइड करने के लिए नहीं दिया तो। और ये भाई साहब अचानक से एक सॉन्ग चालू हो चुका है, ओके ये क्या है, नाइट टाइम मोड ओके कान, ओके ये कुछ नहीं है, मतलब ऐसे इन्होंने बना के रखा है। चलो अब सबसे पहले इधर से हम अपने टोकन्स ले लेते हैं। ओके ये क्या है भाई साहब, ये लेते थे एक नहीं दो नहीं तीन ले लेते हैं, पता चले आगे चल के हमें ये काम आ जाए, इसके लिए ये ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं साथ में, ये भी हमें काम आ जाएगा इसके लिए, ये भी ले लेते हैं साथ में। तो चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अंदर की तरफ कौन कौन सी राइड हमने करने को मिलती है। ओके बाकी तो अभी कुछ शायद आया नहीं, वो शायद सून कमिंग सून लिखा है, बाद में आने वाला होगा। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आगे की तरफ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। चलो किधर की तरफ से रास्ता वो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ क्रिएटिव मोड में आ जाऊँ, क्योंकि क्रिएटिव मोड में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में इन्होंने बना के रखा है, इसके लिए सॉरी अगर आपको गलत लगा हो, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना प्लीज़ 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 प्लीज़। तो चलो इधर से चलते हैं सबसे पहले इधर की तरफ, ओके फाइनली रास्ता तो मुझे मिल चुका है, इधर से चलते आगे की तरफ। और ये इन्होंने कुछ पहली राइड करते हैं, ये वाले ब्लू वाले देखने में काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, इसके लिए सबसे पहले ये वाली राइड हम करते हैं। ओके ओ यार दिस राइड इज़ अनलेवल अवेलेबल, ओके ये अवेलेबल नहीं हमारे लिए अभी, कोई नहीं यार कोई नहीं, मन छोटा नहीं करते। और इन्होंने यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा इधर म्यूज़िक भी बना के रखा है, काफ़ी ज़्यादा थीम भी इन्होंने अच्छा बना के रखा है। चलो अब आगे की तरफ चल के देखते हैं, दूसरी वाली राइड करते हैं, पहली वाली नहीं मिली तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। ओहो हो भाई 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 एकदम बचपन की यादें ताज़ा हो गई, मतलब देखो एकदम मतलब फैमिलीज़ के लिए इन्होंने बैठने के लिए भी बनाया है बीच की। और ये सामने की तरफ रोलर कोस्टर है, सबसे पहले हम रोलर कोस्टर में ही जाने वाले हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले इधर ही आ चुका हूँ रोलर कोस्टर में। चलो इधर से ये कुछ इन्होंने बना के रखा हो कि नीचे की तरफ कर देते हैं। अरे भाई साहब ये अचानक से अलग अलग टाइप की आवाज़ आने शुरू हो चुकी है, ओ भाई 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 भाई, भाई ये क्या इन्होंने बना के रखा है। मैं मतलब लाइफ में पहली बार माइनक्राफ्ट में ऐसा कुछ नया कुछ देख रहा हूँ, मतलब लाजवाब, मतलब ऑप्शन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है लाइफ में पहले,
क्या इफेक्ट डाला इन्होंने, लेकिन इधर से मुझे रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो सोच रहा हूँ इधर से ही चला जाता हूँ, इधर से 2-3 ब्लॉक्स तोड़ देते, किसी को पता नहीं चलेगा, ये और मेरे 50 बंदों के बीच में ही रहेगा बात। और चलो चलते अंदर की तरफ। ओ भाई 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 भाई, भाई ये तो इन्होंने भाई हॉरर हाउस बना के रखा है शायद। ओ भाई भाई, ओके इधर से कुछ स्टार्टिंग होने वाली लगती है। ओके मतलब मैं तो भाई अलग जगह से आ चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, इधर से हम अपनी स्टार्टिंग करते, देखते हैं अंदर की तरफ क्या हमें मिलता है। ओ भाई साहब, इधर तो लाशें गिरी पड़ी है। ओ भाई 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 भाई, भाई काफ़ी ज़्यादा डरावना ही माहौल बना के रखा है इन्होंने, लेकिन कोई नहीं, हम डरते नहीं, हम घबराते रहिए, चलो आगे चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब खौफ का माहौल है, मतलब मैं भी जब छोटा तो नहीं, सॉरी, मैं 4-5 साल पहले ही गया था हॉरर हाउस में, मेरे साथ 2 बच्चे भी थे, मतलब क्या हुआ था, मैं तो डर नहीं रहा था, मुझे तो पता था ये सब फेक है, एकदम अचानक से मतलब कुछ घोस्ट का आ जाता था और मैं अकेला था और मेरे साथ एक मतलब 2 बच्चे थे छोटे छोटे, एक लड़की थी और लड़का था, बेचारे दोनों मतलब डर गए थे, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों का हाथ पकड़ा और दोनों को मतलब बिंदास घुमाया, मैंने बोला था डरना नहीं, मैं आपके साथ हूँ, दोनों को मतलब शुरुआत से लेके एंड तक दोनों ने मेरा हाथ पकड़ के रखा था, भैया 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 बार बार चिल्ला रहे थे और डर भी काफ़ी ज़्यादा रहे थे, लेकिन अपना भाई मैं उसके साथ था ना, मैंने उसको डरने नहीं दिया था। तो चलो ये तो हॉरर हाउस तो ख़त्म हो गया, अब चल ये वाली राइड करते हैं, ये वाली राइड मुझे करनी है भाई साहब, प्लीज़ 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 ये स्टार्ट हो तो अच्छा हो, वरना तो कोई नहीं, चलो चलते हैं। मुझे लगता नहीं ये स्टार्ट होने वाली है या नहीं, मुझे तो नहीं लगता भाई, देखो पता ही था इसके ऊपर मतलब ट्रैक ही इन्होंने नहीं रखा है, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कैसे, लेकिन कोई नहीं कोई नहीं, चलो चलते हैं, कोई नहीं, मैं आपको ऊपर से ही दिखा दे रहा हूँ पूरा पूरा रोलर कोस्टर कैसा है कैसा नहीं है। ओके ये देखो गाइस, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने रोलर कोस्टर बना के रखा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने देखो वैसे मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा की है, क्योंकि इन्होंने इफेक्ट इतने अच्छे अच्छे दिए हैं ना ये वाले मतलब पार्ट में, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे इफेक्ट दिए हैं। तो बस गाइस आज के वाले वीडियो में इतना रखते हैं, अगर आपको बचपन की यादें ताज़ा हो गई हो तो प्लीज़ इस वाले वीडियो पे लाइक मारो, हमने लाइक कैम रखते इस वीडियो पे 50 लाइक्स का, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।